बालोद जिले के वनांचल ग्राम आमाडुला में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मांदर की थाप पर थिरकते हुए आदिवासी लोक कलाकारों ने मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। बालोद जिले के अंतिम छोर पर स्थित वनांचल ग्राम आमाडुला में आदिवासी संस्कृति के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्रजीत सिंह और स्वीप नोडल डॉक्टर संजय कन्नौज भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। इस मौके पर लोगों को अनिवार्य रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने की शपथ दिलाई गई। जिले के स्वीप नोडल अधिकारी डॉक्टर संजय कन्नौजे ने बताया कि दूरस्थ ग्रामों में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के साथ ही आदिवासी परंपरा और संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास किया गया है। मतदान के लिए हमारे जितने भी आपका 1,00,000 परिवार को टारगेट करते हुए जो महिला स्व सहायता समूह है, महिला कमांडो हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम है और पंचायत की टीम है, पूरे जो 12,000 वॉलंटियर्स के माध्यम से हम आज डोर टू डोर आपका सभी घरों में गए और सभी लोग को आपका चुनई जगाड़ नेवता कार्ड महाअभियान के माध्यम से 26 अप्रैल को मतदान करने के लिए एक साथ अपील किए कि वे मतदान दिवस के दिन में सभी लोग मतदान करने के लिए आए और जिले को एक 100% मतदान के लिए एक रिकॉर्ड बनाए। वहीं जांजगीर चांपा जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत कोसा कासा कंचन वोट करेगा जन जन के संदेश को लेकर मतदाता जागरूकता से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। मतदाताओं में उत्साह बढ़ाने के लिए गांवों की राशन की दुकानों पर प्रचार किया जा रहा है। इसकी जिम्मेदारी जिला खाद्य विभाग को सौंपी गई है। जनपद पंचायत बलौदा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह ठाकुर ने बताया कि विभिन्न ग्राम पंचायतों की राशन दुकानों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला सीओ सर और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में आज दिनांक 4 अप्रैल को जनपद पंचायत बलौदा के सभी ग्राम पंचायतों में पीडीएस शॉप के अंतर्गत राशन प्राप्त करने वाले सभी हितग्राहियों को शपथ दिलाया गया और मतदान जागरूकता कार्यक्रम के तहत आगामी लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। यह कार्यक्रम आगे भी सभी हमारे सार्वजनिक स्थलों पर मतदान जागरूकता के लिए चलाया जाएगा।